रेल प्रशासन ने यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा प्रदान करने हेतु IRCTC के माध्यम से 82501, 82502 लखनऊ जंक्शन तेजस एक्सप्रेस सप्ताह में 6 दिन चलाने का निर्णय लिया है। 82501 लखनऊ जंक्शन नई दिल्ली तेजस उद्घाटन विशेष गाड़ी 4 अक्टूबर दिन शुक्रवार को लखनऊ जंक्शन से 9:30 बजे प्रस्थान कर कानपुर से 10:45 बजे गाजियाबाद से 15:05 पर छूट कर नई दिल्ली 4 बजे पहुंचेगी। इस तेजस एक्सप्रेस का नियमित संचालन नई दिल्ली से 5 अक्टूबर से तथा लखनऊ जंक्शन से 6 अक्टूबर से किया जाएगा। नियमित गाड़ी के रूप में 82501 लखनऊ जंक्शन नई दिल्ली तेजस एक्सप्रेस सप्ताह 6 दिन मंगलवार छोड़कर लखनऊ जंक्शन से 6:10 पर प्रस्थान कर कानपुर से 7:25 पर गाजियाबाद से 11:47 छूट कर नई दिल्ली 12:25 पर पहुँचेगी। वापसी यात्रा में 82502 नई दिल्ली लखनऊ जंक्शन तेजस एक्सप्रेस सप्ताह में 6 दिन मंगलवार छोड़कर नई दिल्ली से 15:35 पर प्रस्थान कर गाजियाबाद 16:11 पर कानपुर 20:40 पर छूट कर लखनऊ जंक्शन 22:05 पर पहुंचेगी। इस गाड़ी में की संरचना में वातानुकूलित कुर्सी यान के 9 वातानुकूलित एग्जीक्यूटिव कुर्सी यान का 1 तथा जनरेटर यान के 2 कोचों सहित कुल 12 कोच लगेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए IRCTC के अश्वनी श्रीवास्तव ने कहा। हवाई जहाज में सुविधा का लाभ पाते थे, किराया थोड़ा सा अधिक होगा लेकिन उस किराए के एवज में पूरी सुविधा यहाँ पर लोगों को दी जाएगी। काम बटा हुआ है। ये देश की पहली कॉरपोरेट ट्रेन है, निजी नहीं। दूसरा, इस ट्रेन में हमने यात्रियों की सुविधाओं के लिए, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर पढ़ने के लिए रीडिंग लाइट अवेलेबल है, जो कोच अटेंडेंट है उसे कॉल करने के लिए बटन सुविधा है, यात्री अपनी सीट पर बैठे बैठे इसको कॉल करेंगे जी, तो वो अटेंडेंट आके उन्हें अटेंड करेगा जी। आप देख सकते हैं कि इस डिस्प्ले स्क्रीन पर सारे ट्रेन की स्पीड, अगला स्टेशन, वो सारा लगातार डिस्प्ले होता रहेगा कि ट्रेन का अगला स्टेशन क्या है, कब पहुंचेगी, जरूरी सूचना यहाँ उपलब्ध होंगी। सीट्स आप देखेंगे काफी कंफर्टेबल सीट है, जिन्हें पीछे झुका के आराम से बैठा जा सकता है, लेग स्पेस काफी है। इसके अलावा बैठे बैठे सीट पर आपको पता चल जाएगा कि टॉयलेट ऑक्यूपाइड है या खाली है, उसके लिए सामने इंडिकेटर चलेगा। बाहर स्वचालित डस्टबिन लगाई गई है और जिसमें सेंसर बेस्ड डस्टबिन है। टॉयलेट्स में भी सेंसर बेस्ड सुविधा है जिसमें से पानी का वेस्टेज ना हो, और इस प्रकार इसमें जो भी सुविधाएं दी गई हैं वो यात्रियों को की यात्रा को और अधिक आरामदायक बनाएंगी। गाड़ी का लुक तो जो बन के आया है वो आप देख सकते हैं, वो हमारे RCF ने बनाया है। हम लोग इसमें जो सुविधाएं हैं उन्हें बेहतर करने के लिए जो कार्य कर सकते हैं, जैसे कि हम जब खाना सर्व करेंगे तो ट्रॉली उपलब्ध कराई गई है, ट्रॉली के माध्यम से करेंगे जैसा कि एयर में होता है जी। और इसके अलावा जो भी आधुनिक सुविधाएं हैं उन्हें देने का पूरा प्रयास किया गया है। हर कोच में मिनी पेंट्री है जहां खाना चल के आएगा और फिर वहां गर्म होगा, ट्रॉली उपलब्ध है, पानी गर्म करने की सुविधा उपलब्ध है, RO वाटर मशीन हम यहां लगाने जा रहे हैं। इसके अलावा मिनी पेंट्री की सारी आधुनिक सुविधाएं जो है वो यहां उपलब्ध है। किराया सामान्यतः प्रीमियम
जो ट्रेनें चल रही जैसे कि शताब्दी उनके आसपास ही होगा, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, वो उस समय के सीजन के हिसाब से होगा, लीन सीजन, पीक सीजन या फेस्टिवल सीजन के हिसाब से किराए का निर्धारण किया जाएगा। अभी हम इस ट्रेन की शुरुआत 10 कोच से करेंगे लखनऊ से नई दिल्ली के बीच में जी, और 10 कोच में 9 चेयर कार और 1 एग्जीक्यूटिव चेयर कार होगी। एग्जीक्यूटिव चेयर कार में 56 और चेयर कार में 78 यात्री एक में यात्रा कर सकते हैं। हम इस ट्रेन में यात्री के अनुभव को अलग बनाने की कोशिश करेंगे, बेहतरीन बनाने की कोशिश करेंगे कि वो जो सुविधा चाहता है उसे मिले। जैसे आप देख सकते हैं कि पहली बार ये सुविधा है कि हम अगर बटन दबाकर कॉल बजाकर अटेंडेंट को बुला सकते हैं। इसके अलावा ऑन बोर्ड इंफोटेनमेंट की सुविधा दी जाएगी यात्रियों को, जिसके द्वारा वो गाड़ी में बैठे बैठे जो थ्रू इंटरनेट मनोरंजन के सुविधाएं अपने अपनी डिवाइस पर यूज कर सकेंगे जी। और इसके अलावा उन्हें समाचार पत्र, मैगजीन, ये सब सुविधाएं, अपडेटेड इंफॉर्मेशन और बेहतरीन सर्विस और अच्छा भोजन उपलब्ध कराएं। अश्विनी श्रीवास्तव, ये ट्रेन बेसिकली लखनऊ और नई दिल्ली के बीच चलाई जानी है और गोरखपुर आज ये ट्रायल के लिए लाई गई है, ट्रायल रन है, बट इस ये ट्रेन लखनऊ जंक्शन से नई दिल्ली के बीच में 4 अक्टूबर से चलेगी। ये देश की पहली कॉरपोरेट ट्रेन है जिसमें ऑपरेशन पार्ट रेलवे करेगा और जो ऑनबोर्ड सर्विसेज कंप्लीट है और किराया इत्यादि का निर्धारण वो IRCTC द्वारा किया जाएगा। ये ट्रेन जो सीटिंग चेयर कार वाली ट्रेन है उसमें सबसे आधुनिक रेक है जिसमें कोच के अंदर विभिन्न सुविधाएं यात्रियों के लिए दी गई हैं, जैसे पढ़ने के लिए रीडिंग लाइट है, कोच अटेंडेंट को बुलाने के लिए कॉल बेल है, सेंसर बेस्ड डस्टबिन है, वॉशरूम में सेंसर बेस्ड ही वाटर टेप लगे हुए हैं, ट्रेन की सूचना डिस्प्ले करने के लिए कोच के अंदर स्क्रीन अवेलेबल है, बहुत कंफर्टेबल सीट्स हैं, जो कर्टेन है वो बटन से ऑपरेट होते हैं। इसके अलावा ये इस ट्रेन में जो हम ऑनबोर्ड सुविधाएं देंगे वो भी जैसे खान पान की सुविधाएं ट्रॉली के माध्यम से देंगे जैसे एयर में होता है, और हमारी कोशिश है कि यात्रियों को बहुत अच्छा अनुभव इस ट्रेन में मिले। इसमें स्टेशनों पर जो भारतीय रेल के अंतर्गत सुविधाएं हैं सभी इस ट्रेन के यात्रियों को भी मिलेंगी, सुरक्षा की अन्य यात्रा सुविधाएं, ऑन बोर्ड में हम अलग से भी सुरक्षा कर्मी रखेंगे, ये CCTV कैमरे लगे हुए हैं। नहीं नहीं, ये चूंकि पूर्वोत्तर रेलवे के अंतर्गत आ रहा है, लखनऊ जंक्शन से इस ट्रेन को चलना है तो ट्रायल रन के लिए इसको यहाँ लाया गया, अभी चलना लखनऊ नई दिल्ली के बीच। बेसिकली ये तो ट्रायल रन है लेकिन गोरखपुर आने के लिए तो उसका एक अलग औचित्य था, ट्रायल रन का था, बट लखनऊ से नई दिल्ली की दूरी है ट्रेन 6.25 घंटे में पूरी करेगी। नहीं, इस बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि अभी इस ट्रेन का संचालन पहली ट्रेन है जिसकी रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित किया गया कि इसे गोरखपुर लखनऊ से नई दिल्ली के बीच में चलाया जाएगा।